रहे कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहर में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी गैर जरूरी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के अनुसार शहर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करना होगा। निजी कार्यालय वीकेंड पर 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। ये फैसला DDMA द्वारा और अधिक प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद लिया गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से COVID-19 संक्रमणों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में 4,099 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.46% हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को बताया कि ओमिक्रॉन अब दिल्ली में COVID-19 का प्रमुख रूप है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 81% सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। वहीं दिल्ली में लागू किए गए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में तकरीबन 10,000 एक्टिव केस है। अस्पताल में तकरीबन 350 लोग भर्ती हैं, इसमें से 124 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर ही अस्पताल में जाएं। सिसोदिया ने कहा कि आज DDMA की बैठक में निर्णय लिया गया कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है।